उसकी मदर की डेथ हुई है तो हमारे घर में रहती है, तो हम खाना वगैरह डाल देते हैं उसके, तो एक दो दिन से दिखी नहीं है। तो फिर मैं कल गई उसको ढूंढने, तो ऐसे एक रोड के साइड में बैठी हुई थी। उठ के दिखाओ, जरा भी नहीं चल पा रही है ना। कल पालम पुलिस को हम भेजेंगे, एक्सरे में जो भी रिपोर्ट आएगी मैं आपको बता दूंगी। जब इस डॉग की हमने जांच कराई तो हमें दो चीजें पता लगी, एक तो जब ये घर से बाहर थी इसका एक एक्सीडेंट हुआ, पर इसके ना चल पाने का कारण वो एक्सीडेंट नहीं एक गोली है, और वो गोली हमारे लिए बड़ा रहस्य बन गई क्योंकि इसके शरीर पे कहीं कोई घाव भी नहीं है। जो बुलेट लगा है स्पाइन पे वो सर्जिकली रिमूव करनी पड़ेगी। का पीछे हाइंड लेग में ना फीमर के हेड का फ्रैक्चर है, तो उसकी भी सर्जरी होनी पड़ेगी इसकी। तो हमारी थ्योरी ये है कि किसी ने इसको बहुत पहले वो छर्रा मारा होगा जो लोग अक्सर बंदरों को मारते हैं। जब इसका एक्सीडेंट हुआ तो वो छर्रा इसके स्पाइन के नजदीक चला गया और वो इसकी नर्व से इंटरफेयर कर रहा है, और इसीलिए इसके पिछले वाली दोनों टांगे काम नहीं कर रही। अब ये थ्योरी कंफर्म होगी 7 तारीख को जब हम इसकी पालमपुर अस्पताल में कंट्रास्ट रेडियोग्राफी कराएंगे, और भला वो पालमपुर अस्पताल का कि वो जानवरों के लिए भी ये सारी फैसिलिटीज देते हैं, क्योंकि भारत के अधिकांश कोनों में तो मरहम पट्टी टांकों तक की व्यवस्था नहीं है। खैर, नया टॉपिक ये कि ब्रेन जो यहाँ पे इसलिए आया था कि उसके पीछे की स्किन इतनी खराब थी जैसे इंसानी दिमाग दिखता है, उसकी रिकवरी बहुत ही शानदार हुई। तो कोई पटेंगे नहीं, ठीक। रुको अभी से ना, पहले से तो बेटर हो रहा है। एक और एनिमल जिसकी रिकवरी जितनी सरप्राइजिंग थी उतनी फास्ट भी, उससे मिलवाने से पहले हम आपको मिलवाते हैं कुमारी से। कल से भी उस पड़ा हुआ है, जीप भी निकल गई थी तो कल ट्रीटमेंट स्ट्रीट तो करे आए हैं, पर थोड़ा सा आज ना उसने कहा कि सर उठाया है, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यूट्रस में पस भर गई है। किसी ने किसको पत्थर या किसी के थ्रू मारा हुआ। ब्लड टेस्ट में उसका टिक फीवर सस्पेक्टेड है, तो अभी हम इसके टिक फीवर के लिए ट्रीटमेंट करेंगे स्टार्ट, और साथ साथ में इसके वेजाइनल एरिया से पस भी आ रही थी। बट इसका कुछ पेन है क्या कोई भी पार्ट में? वो पेन नहीं है, यहाँ कोई फ्रैक्चर भी नहीं फील हुआ है हमें। इसके सेंसेशन है, थोड़ी बहुत है, फ्लूड लगा रहे हैं क्योंकि इसने खाना बहुत कम खाया। नहीं ना बच्चे, वो तो सही है, आपको जल्दी बड़ी ज्यादा लगी है, बहुत एक्साइटेड हो गया। इसके ऊपर बर्डन डालो, ऐसी बकरी वो कड़ी ये गेड़ा गेड़ा ये देखो यही तो स्टेप उठाओ ना बेटा, स्टेप उठाने हमने कल के दिन को देखा था ना, ये काफी देर मतलब कम से कम 10 से 15 मिनट अपने हिसाब से खड़ी हुई थी ना, बिना सपोर्ट बिना किसी उसके। चलो 17.20 ये डॉग हम धनोटू से रेस्क्यू करके लाए थे, इसमें पिक ट्रैप फंसा था और जिसके वजह से उसके टो का हिस्सा झड़ गया था, इसलिए हमें इसका एम्पुटेशन का डिसीजन लेना पड़ा। पर पहले हमने इसको थोड़ा स्टेबलाइज किया, प्लस इसके ब्लड पैरामीटर्स किए ताकि ब्लड में कोई सब कुछ ठीक है, एचपी ठीक है, प्लेटलेट्स ठीक है, ताकि सर्जरी के टाइम कोई रिस्क ना हो डॉग को, वो सब नॉर्मल थे, इसलिए अभी हम इसकी एम्पुटेशन सर्जरी कर रहे हैं। हाय जल्दी हील हो जाएगा ना, होना ना जल्दी, जाना ना घर, चलो गुड बाय गुड बाय। अब उम्मीद यही है कि पोस्टमैन की रिकवरी भी फटाफट होगी क्योंकि यहाँ पे कई किस्म के केसेस आते हैं, अपने साथ तरह तरह के इन्फेक्शन लाते हैं, और यहाँ पे ठीक होते होते केसेस भी अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेते हैं। कहाँ ना, बाहर नहीं निकलना, अभी नहीं निकलते बाहर, अभी टाइम है। ये डॉग कांगड़ा से आया है, इसके लिए पहले हम ट्रीटमेंट ट्रीट करने गए थे, हमने तब ट्रीट किया था इसको, तब स्वेलिंग रिड्यूस हो गई थी, पर अब दूसरी साइड पे फिर स्वेलिंग हुई है, तो अभी हम इसको रेस्क्यू करके ले आए हैं। पालनपुर में हमने इसके टेस्ट कराए जिसमें हमें पता चला है कि इसको क्रॉनिक पायोग्रेनुलोमेटिस कंडीशन है, जिसमें कि क्रॉनिक इन्फेक्शन विद बैक्टीरिया प्लस फॉर्मेशन ऑफ पस होती है। तो अभी उसके लिए हमारे ट्रीटमेंट जो चलेगा एंटीबायोटिक्स चलेंगे, इस ट्रीटमेंट से फर्क नहीं पड़ता तो हमें फिर से एक फर्दर एग्जामिनेशन के लिए इसको पालनपुर भेजना पड़ेगा। क्या हो गया? हो गया क्या? हो गया रस खा रहा है। ट्रीटमेंट करने के बाद वो पूरा ऐसे रिंग बन गई थी, मतलब वो झड़ जाता तो मुझे लग रहा है कि वो शायद ट्रैप में फंसा हुआ किसी, तो उसने एकदम से खींच छुड़ा ही लिया, फिर घाव बन गया। हाँ, और हड्डी दिख रही थी, पहले पीछे नहीं था, बाद में रिंग बन गई थी। हमने उसका एम्पिटेशन के लिए सोच रहे थे कुछ और ही लिखा, एकदम फिट्स पड़ रहे थे, दौरे पड़ रहे थे, और
मुंह से छाल दांत कटकटा रहा सब कुछ सीडी सिम्टम्स हां एकदम नर्वस फॉर्म था तो ना तो उसको रख सकते थे ना तो वो ट्रीटेबल था ट्रीटेबल तो नहीं था चल ही खड़ा ही नहीं हो पा रहा था फिर तो पुट डाउन करना ही बेहतर ऑप्शन था उसमें बेटर था क्योंकि हमने फिर और डॉग्स को भी रिस्क पे नहीं डाल सकते थे ना एक डॉग के चक्कर में नहीं ऐसा कर सकते ये जो डॉग है जिसका नाम वेलवेट है इसमें कार एक्सीडेंट की वजह से पेरिफेरल नर्व डैमेज है इसकी ट्रीटमेंट के लिए इसलिए हम नर्व के इंजेक्शंस दे रहे हैं और साथ ही साथ हम इसकी फिजियोथेरेपी भी कर रहे हैं पीछे वाले लेग का जो सेंसेशन है वो लॉस्ट हो चुकी है जिसको हम पार्शियल पैरालिसिस बोलते हैं उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए हमने उसमें पीछे बैंडेजेस अप्लाई किए मसाज कर रहे हैं हल्का हल्का वेट नहीं फिर भी अब ये जो अगली गाय है इसका नाम हमने पीटी उषा रखा है और आप वीडियो देखते ही समझ जाएंगे कि क्यों कहाँ भैया जी वही है ना नहीं गया नहीं गया कीचड़ बहुत है ना हाँ फिर स्लिपरी है दौड़ा नहीं जाएगा यही है ना असर हुआ कि नहीं असर तो हुआ यार भाई बार फ्लैट नहीं है रास्ता देख रही हो भाई छोड़ो 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 भगाओ मत वो मारने का असर कुछ नहीं हुआ क्या इसका ये सभी गए हाँ स्ट्रे मतलब पंजाब वगैरह से आती हैं यहाँ छोड़ जाते हैं हाँ It is like that. Over the night, it happens. बैठे? हाँ, बैठिए। वहाँ से जाएगा तू, पर तूने एक घर खड़ा सीधा डाल दिया उसके। तू बैठ। चला, 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 चला। चलो परखो, 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 परखो। चल छोड़ चढ़ ऊपर। इसकी अगली टांग पे जख्म है अभी हमने इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर दिया ड्रेसिंग कर दी है बस एंटीबायोटिक से पेन किलर्स भी दिए हैं और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी ठीक होकर रिलीज हो जाएगी तो पहले तो इन लोगों को पकड़ने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है फिर इनको जीप में उठा के रखना कौन सा आसान है तो फाइनली हमें एक फैब्रिकेटर मिले हैं जो हमारी जीप में एक हाइड्रोलिक लिफ्ट लगा देंगे पर ये बात सिर्फ हमारे और आपके बीच में है जो लोग हमारा अपडेट एंड तक देखते हैं